Yes, very good morning, students. So today we have work forms. Before I go to the work forms, I just received a homework from you all. I'll let you know. I think two of them didn't understand the concept of vowel teams. उनका नाम मैं क्या है लेती हूँ, सबिता एंड नीतू. सबिता एंड नीतू, आपको शायद समझ में नहीं आया वॉवल टीम का कॉन्सेप्ट. आप हो आज क्लास में, नीतू और सबिता जी, आप क्लास में हो? यस, ओके, यस, सबिता इज देयर, राइट. सो सबिता जी, आपको और नीतू जी के लिए मैं एक 2 मिनट्स में आपको वाउल टीम क्या है समझा देती हूँ. जो वाउल टीम्स हैं, तो हमने बोला था आपको AI और AY, ऐसे साथ में दो वाउल्स है ना, वाई भी जो है वाउल का साउंड करता है. तो ये जो है साथ में आने का, जैसे पेन, स्प्रेन, ये वाई, ये क्या है, दोनों क्या है, कॉन्सनेंट है, कॉन्सनेंट ब्लेंड, और ये स्प्रेन, एन, स्प्रेन, ऐसा लिखना है. आपने कुछ ऐसा लिख के भेजा है, मैं आपको, आपका, आपने क्या लिखा है मैं बोर्ड पर लिखती हूँ. आपने ऐसा कुछ लिखा है, ये तो स्प्लिट डायग्राफ हुआ ना बेटा. लाइव जो है, लाइव यानी कि लाइव, लाइव, ये सब आपने लिख के भेजा है. और हेडिंग के ऊपर OA लिखा है, मगर नीचे आपने ऐसे आना माना ऐसे कुछ लिखा है आपने, तो ऐसा नहीं लिखने का. ओके, मैं ये जो ए है वो इसमें आना है साथ में. अभी ये रे है ना, तो प ए, पे, देखिए पे आ गया. और मान लीजिए आई, आई ई, जो ये दोनों साथ, दो वॉवल्स हैं साथ में आए हैं, तो साथ में हमको आना है टाई, पाई, लाई, ऐसा. ठीक है, तो ऐसा वर्ड्स बनाइए जो साथ में वो वॉवल्स आए. और वहां पर क्या है, उसका पहले वाला क्या है, अपना नाम बोलेगा. क्या बोलेगा, नाम बोलेगा. ठीक है, ये जो पाई आई टाई है उसमें समटाइम्स क्या है, ये क्या होता है, अपना नाम बोलता है. वो थोड़े बहुत वर्ड्स मैं आपको समझा देती हूँ, सबको मैं समझा देती हूँ कि क्या वर्ड्स ऐसे आई ई साउंड करते हैं जहां पर. ठीक है, चलिए मैं बोल रख करती हूँ. ये समझ में आया सबिता जी? आंचल बोल रहे हैं वेट. हाँ ओके, वेट, मुझे लगा मुझे रुकने के लिए बोल रहे हैं. बराबर, वेट, ए. ओके सबिता जी, समझ में आया? ओके, तो आप क्या कीजिए, जहां जहां पे आपको, और बहुत लोग ने स्पेलिंग मालूम है करके लिखा है, मगर वर्ड्स में वो साउंड नहीं आ रहा है. जैसे मैं, मान लीजिए मैं बेबी शाह जी का मैं देखती हूँ, एक मिनट, मैं मोबाइल में देखना है. बेबी शाह जी आपने लिखा है आपके वर्ड में, हाँ जैसे ये हुआ, आप ये देखिए, ये हुआ र ओड. यहाँ पे ओ क्या कर रहा है, अपना नाम बोल रहा है. वो क्या कर रहा है, अपना नेम बोल रहा है. मगर यहाँ पे देखिए र ऑड, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, तो ये वर्ड कैसे लिख लिया OA में, ये वर्ड कैसे लिख लिया. आपको तो मुझे डाउट पूछना चाहिए था, मैम यहाँ पे तो ब्रॉड हो रहा है, ब्रोड, ब्रोड पढ़ते हो क्या इसको? नहीं, हम ब्रोड नहीं बोलते हैं, हम ब्रॉड बोलते हैं. तो आप ऐसे मत लिखिए क्योंकि आपको स्पेलिंग आता है. जब भी होमवर्क करते हो तो ऐसे आप लिखोगे तो आपको डाउट आना चाहिए, मैम ये तो ब्र ओड नहीं आ रहा, ब्रोड आ रहा है, ब्रॉड नहीं आ रहा है. तो इसीलिए मैं बोलती हूँ साउंड बना बना के लिखिए. डोंट राइट बिकॉज यू नो द स्पेलिंग. व्हेन यू राइट केक, एक, ए नाम बोला, इसीलिए वहां पे मैजिक ही लिखेंगे. पढ़ने के टाइम में तो हमको दिखता है यहाँ मैजिक ही है, तो इसको नाम बोल लो. लिखने के टाइम में कैसे मालूम पड़ेगा? तो आपको जैसे कि मैं अभी और एक बाइक लिख रही हूँ, आई साउंड आ रहा है मुझे, आई साउंड आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा,
आई लिख लूंगी, आई लिख लूंगी, तो मैं यहाँ पे आई का नाम बोल रहा है तो इसीलिए यहाँ पे मैजिक ही लिखूंगी, बाइक। समझ में आया स्टूडेंट्स? यस। तो लिखने के टाइम में थोड़ा चैलेंजिंग होगा, मगर आप बराबर ध्यान दोगे साउंड पे कि यहाँ पे ई साउंड नहीं आ रहा है। मान लीजिए मैं बिकन बोल रही हूँ, अभी बिक तो ई यहाँ पे आई नहीं डालूंगी, क्यों? बिक आया, बह एक बिक, बह एक बिक। ओके, जैसे क अट कट, क अट, अभी क्यूट बोल दिया, क यू, क्यों? क्या है, अपना नाम ले रहा है तो मुझे जरूर यहाँ पे एक ई डालना है, तभी वो क्यूट बनेगा ना। ओके, इज इट क्लियर अबाउट द वाउल थीम्स एंड द वाउल स्प्लिट डायग्राफ? आपने बहुत सारे सविता कुमार जी और दूसरों का नाम जो है आपने स्प्लिट डायग्राफ लिखा है, मैं क्या बोल रही हूँ, आप वाउल थीम लिखो, ठीक है? तो प्रैक्टिस कीजिए, मैं बहुत सारे लोग का करेक्शन करके भेजा है, तो आप जैसे कि दूसरे किसी ने लिखा था गेट वे करके, ग ए ए का साउंड आ रहा है बेटा, तो यहाँ पे ई आएगा ना। गेट वे, किसी ने ई मिस कर दिया था, ठीक है? तो बहुत सारे, बढ़िया है, मैं सबका नाम लूंगी जिसने होमवर्क किया है, उनको भी क्लैप्स मिलना चाहिए। ओके, देन वी प्रोसीड। बेबी शाह, क्लैप फॉर हर। सबिता, नीतू, रेखा कुमारी, अंजलि सोनी, संगीता, इन लोग सबने होमवर्क किया है। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग द होमवर्क, क्योंकि आपको लिए ये फॉलो अप के लिए इजी होगा। ओके, गुड जॉब। और भी बाकी लोग होमवर्क कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी हमको मालूम पड़ेगा कि कहाँ पे गलती कर रहे हैं। ओके, क्लियर? सो लेट्स गो टू द वर्ब फॉर्म्स। उससे पहले आई जस्ट थॉट आई विल गिव यू मोर वर्ड्स ऑन आई। ओके, आई विल गिव यू टुमारो अबाउट दैट बिकॉज वी विल नॉट हैव टाइम। ओके, वर्ब फॉर्म्स माने वर्ब के फॉर्म्स कितने होते हैं। वर्ब माने क्या? पहला क्रिया, एक्शन वर्ड्स। वर्ब को क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड्स भी आपने सुना होगा, जिसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं, करेक्ट? अभी हम फोनिक्स में पढ़ना आ रहा है क्या, वर्ब्स को चेक करने वाले हैं, ठीक है? वी वन, वी टू, वी थ्री, मेन वर्ब फॉर्म्स वी वन, वी टू, वी थ्री होते हैं। वी फोर क्यों हम लिखेंगे करके मैं आपको समझाऊंगी। इसके बाद हम सेंटेंस पढ़ेंगे, तो आपको ये अच्छी तरह मालूम है तभी आप सेंटेंस अच्छी तरह कर पाओगे। वी वन को हम क्या बोलते हैं? बेस वर्ब बोलते हैं, क्योंकि वो ही अभी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग बनाने के टाइम में क्या, फाउंडेशन जो है आपका स्ट्रांग होना चाहिए, उसके ऊपर ही बिल्डिंग बनती है। वैसे ये जो बेस वर्ब है पहले आपको मालूम होना चाहिए, उसके ऊपर ये सब जो है हम बिल्डिंग बनाने वाले हैं। बेस वर्ब या तो रूट वर्ब बोलते हैं, जड़ से, जड़ जड़, ये ही जड़ है। ओके, रूट वर्ब है। तो ये वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर, वो फाइव, ये कहाँ पर और क्यों इस्तेमाल हो रहा है वो हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले हम यहाँ पर दिखेंगे। अभी दूसरा क्या आपको जानना है कि रेगुलर वर्ब्स होते हैं और इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। ओके, ये आप लिख लीजिए, मैं आपको बाद में समझाऊंगी रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। अभी आपको हम वर्ब्स लिखाएंगे, आप सब फोनिक्स में पढ़ोगे, आप कुछ कोई भी, नो वन विल रीड बिकॉज यू नो द स्पेलिंग। हाउ विल रीड दिस? व्हाट इज दिस? What is this? Okay, first verb we'll take this one. हम सब देख रहे हैं ना? What is this? S-E. क्या है? C. C. Right? C. ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया? Double team आ गया. C. C का क्या है? Second form क्या है? Saw. O sound है. AW क्या है? AU. और ए डब्ल्यू क्या साउंड करता है? ऑ साउंड करता है। वो अभी हमको सीखना है, फिर नो प्रॉब्लम, अभी देख लीजिए आप। दूसरा हो गया आपका सीन, 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 सीन। और दूसरा ये क्या है? ये कब आपको यूज होगा? जब आप प्रेजेंट टेंस, आप सीस, सीस, ये कब यूज होगा? जब ही शी आपका जो सब्जेक्ट है, ही शी इट आएगा, तो आप ही सीज।
शी सीज क्या, शी सीज द पेन, शी सीज द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, पेंटिंग ऐसा करके, ही सीज, इट सीज, यहाँ पे दे आएगा तो सीज नहीं आएगा, ओके नहीं आएगा, ओके तो ईएस ऐड करेंगे वहां पर, सीइंग, आईएनजी, आईएनजी ऐड करोगे, आईएनजी, ओके रन, रैन, रन, आप प्रैक्टिस कीजिए फोनिक्स में पढ़ने के लिए, रैन, वापस ये भी रैन, रैन, रन्स, 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 रनिंग। अभी यहाँ पर क्यों डबल एन डाला हमने, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए 1 2 टू आया तो डबल करना है यहाँ पे, डबल आई डू, ये जो एन जो लास्ट कॉन्सनेंट है उसको आप डबल करोगे, मोस्टली वर्ड्स में ऐसा ही होता है, या तो ऐसे याद रख लो, या तो जब सीवीसी पैटर्न में है, जब कोई भी अक्षर सीवीसी पैटर्न में है तो अगला कॉन्सनेंट जो है वो डबल होगा। अभी यहाँ पर देखिए सीवीसी पैटर्न में नहीं है, इसको ये खुला हुआ है, ये क्लोज्ड, ओपन सिलेबल, क्लोज सिलेबल आपको समझाऊंगी तो इतना समझ में नहीं आएगा, मैं देखिए यहाँ पर ये जो है रूट वर्ब है, इसको ही आईएनजी लगाना है, इसको नहीं लगाना है, जो बेस वर्ब या रूट वर्ब है उसको ही आईएनजी लगाना है, याद रख लीजिए, ओके ये समझ में आया, आर यू क्लियर विद दिस, व्हाई वी आर पुटिंग डबल एन, यस इफ यू आर क्लियर जस्ट पुट अ थम्स अप। अभी यहाँ पर देखिए ये ज अ म प, ज आ म्प, जंप, 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 तो यहाँ पर क्या आएगा, जंप्ड, एड एड ईडी, जंप्ड, ज अम्पड़, ये भी जंप ही आएगा यहाँ पे, जंप्स, जंपिंग, यहाँ पर देखिए अभी डबल पी डालेंगे तो गलत होगा, क्यों, 1 2 3 आ रहा है, देखिए यू वावल के साथ शुरू करोगे और यहाँ पर देखिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो जंपिंग, यहाँ पर पी डबल पी नहीं करेंगे हम, जंपिंग, ओके डिड यू अंडरस्टैंड, दिस इज हियर, सी 1 2 वावल के यहाँ पे काउंट करो, यहाँ से काउंट नहीं करने का, वाउल कहाँ पे है हमारा, वाउल यहाँ पे है, तो 1 2 3 आ रहा है, तो 3 आया तो डबल नहीं करने का, तो यहां पर मैंने पी को डबल नहीं किया, क्लियर स्विम, स्वैम, व एम, देखिए पढ़ना आ रहा है सब फोनिक्स में, देखिए व इम, स्व इम, स्विम, स्वैम, स्व, स्व, ये सब कॉन्सनेंट ब्लेंड है, दो कॉन्सनेंट साथ में ब्लेंड कर रहा है, स्व 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 बोलो गया, बोर्ड दिख रहा है, स्वम, स्वम, आ, 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 स्वम, स्विम्स, स्विम्स, इसके ऊपर ही, ये दोनों जो है आप रूट वर्ब को लोगे और उस पर ही एस ऐड करोगे, और रूट वर्ब को लोगे उसके ऊपर ही आईएनजी, रूट वर्ब या बेस वर्ब जो भी आप समझते हो, क्लियर, रूट वर्ब बोल सकते हैं, बेस वर्ब बोल सकते हैं, या बी वन बोल सकते हैं, इसका तीन नाम है, तो बी वन के साथ ही आप एस जोड़ोगे, बी वन के साथ ही आप आईएनजी जोड़ोगे। अभी यहां पर देखिए 1 2 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, एम को डबल करूंगी कि नहीं, शुड आई डबल द एम और नॉट, यस आई शुड डबल द एम, स्विमिंग, स्विमिंग, देखिए डबल हो गया, करेक्ट, स्विमिंग, यस, शैल आई गो टू द नेक्स्ट, एनी डाउट्स इन दिस, If you have doubt, type Y. If you don't have doubt, don't need to type anything. If you have doubt, please type yes. Shall I go to the another forms? बहुत है ऐसे, हम लोग फोनिक्स में पढ़ पा रहे हैं क्या करके, हमको देखना है।
एंट, यहाँ पर देखिए कल सीखा था ना हमने ए साउंड, एंट पेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा पेंटेड, एड एंटेड, यहाँ पे भी पेंटेड, यहाँ पर एस ऐड करना है हमको, पेंट इसके ऊपर एस ऐड करें, यहाँ पे आई एन जी ऐड करने, पेंटिंग यहाँ पर टी डबल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या 1 2 3 आ रहा है, 3 आ रहा है तो डबल नहीं करेंगे, क्लियर, वेरी गुड। अभी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप लिखिए मैं देखूं, वर्ब फॉर्म ये देखिए स्प, यहाँ पे देखिए वॉवल टीम है, ये ई नाम बोलेगा ए नहीं बोलेगा, स्प ईक स्पीक स्पीक, यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, स्प ओक, यहाँ पर स्प्लिट डायग्राफ आ गया, देखिए स्प्लिट डायग्राफ, स्प ओक स्पोक, स्पोकन, वेरी गुड अंजलि सोनी, वर्षा पंजा, वर्षा पटेल, यस स्पोकन स्पोकन, स्प ओ एन स्पोकन, देखिए वो सब रूल जो मैंने सिखाया था वो अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे स्पीक्स एस ऐड होगा और यहाँ पे स्पीकिंग, यहाँ करके डबल नहीं होगा क्योंकि क्या है 3 आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है स्पीकिंग, ओके नेक्स्ट, व्हाट इज दिस, यहाँ पे कॉन्सनेंट ब्लेंड, डर डरा नहीं पढ़ने का, ड्र 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 ड्र, आईव ड्राइव, ड्राइव क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ड्रोव हो जाएगा, डर ओव ड्रोव, ये क्या हो जाएगा ड्रिवेन, डर ड्र इ इ वेन, ड्रिवेन ड्रिवेन, ड्राइव्स ड्राइव्स, ड्राइविंग, ओके, यहाँ पर क्यों डबल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वाउल आ रहा है, कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है, 1 2 3 यहाँ पर वाउल आ रहा है, ड्राइविंग, क्लियर, स्टैंड स्टूड स्टूड स्टैंड्स स्टैंडिंग, 1 2 3 नो डबलिंग, क्लियर, ड्राइव, अंजलि सोनी जी आपने ड्रोव को ई छोड़ दिया, वो अपना साउंड निकाल रहा है तो आप ई डालना भूलिए मत, ओके ड्रोव, ओ बहुत सारे वर्ब्स हैं, मैं ऐसे बहुत कम लिख रही हूँ आपको, जैसे अभी एक वाई का पैटर्न बता देती हूँ, इफ वाई जब आएगा तो आप क्या है यहाँ पर देखिए क्या करोगे, फ्लाई, क्या है फ्लाई का, फ्लू फ्लोन, फ्लू ऊ फ, ल, आई, वाई जब लास्ट में आएगा आई का साउंड निकालेगा, यू फ्लू, ओन ओ ओ डब्ल्यू, ओ का साउंड भी करता है आउ का साउंड भी करता है, जैसे काउ में आउ करेगा इसमें ओ का साउंड करता है, आउ का साउंड भी करता है आउ और ओ का साउंड भी करता है, ये सब हम सीखने वाले हैं अभी वर्ड्स में आ रहा है तो मैं बता रही हूँ आपको, ओन यहाँ पे क्या कर रहा है ओ साउंड निकल रहा है, फ्लोन अब यहाँ पे क्या आएगा, फ्लाइज फ्लाइज ऐसा भी, फ्लाइज देन फ्लाइंग, यहाँ पर आई एन जी एड होगा, क्या होगा आई एन जी एड होगा,
लिख लिया ऐसे यार। वाई के साथ और एक एग्जांपल बताइए मुझे, बताइए। यहाँ पर फ्लाइज, नेक्स्ट हु इज राइटिंग, क्राई, बराबर है, वेरी गुड, क्राई, क्राइड, यहाँ पर भी क्राइड, और फिर यहाँ पर क्या आएगा, क्राइज, यहाँ पे एक वाई को कट करके क्या है, आई एस आएगा, फिर क्राइंग, यस, और ऐसे भी कुछ वर्ब्स होते हैं। क्या टाइम हुआ है? नहीं टाइम है, ठीक है, और करेंगे हम। फॉरगेट, फॉर गेट, और कंट्रोल वर्ब सिखाया था मैंने आपको, और फॉरगेट ऐसे नहीं पढ़ने का, फॉरगेट। आई, किरण वर्मा आई है, मगर आई जो है एक नाउन है, एक वर्ब नहीं है। यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लोग एक्शन वर्ड्स ही बोलेंगे, ये आई जो है एक क्रिया नहीं है। ओके, यस, फॉरगेट। हम यहाँ पे क्या है, पूरे एक्शंस, ये क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी सेंटेंस पैटर्न बात करेंगे तो एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट ना है, कोई इंसान या कोई व्यक्ति होना चाहिए, या कोई जीव, किसी के वो कौन, किसके बारे में, वो टेबल हो, चेयर हो, या किसके बारे में बात करें, वो सब्जेक्ट है, और किस वो क्या कर रहा है, वो क्रिया है, और ऑब्जेक्ट। एसवीओ पैटर्न में हम लोग सेंटेंस सीखने वाले हैं, तो हमको यहाँ पर क्या वर्ब डालें, कौन सा फॉर्म वाला वर्ब डालें, वो इसके ऊपर निर्भर है, सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर है, ठीक है। तो ये इस पहले हमको मालूम होना है, जब भी हम ये जो है सेंटेंस बराबर कर पाएंगे, इसीलिए मैं ये पहले सिखा रही हूँ आपको। यस, फ्राई वर्ब है, वर्षा पटेल मैम, फ्राई भी वर्ब है, यस, फ्राई वर्ब है ना, हम तल रहे हैं ना, काम ही तो कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, हम खाना जब बना रहे हैं तो वो भी काम ही है ना बेटा, जो भी आप एक्शन कर रहे हो वो क्रिया है, वर्ब है, जंपिंग, रनिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, ओके, सब भी वर्ब है। अभी भूल जाना भी एक काम है ना, ये हमें भूल गई वो करने के लिए, इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, गॉटन, यहाँ पे देखिए कैसे पढ़ेगा, फ और फर गॉट, गॉट एन, फॉरगॉटन, यहाँ पे टी क्यों डबल हुआ, ओ टी, ऑट, ऑट, फॉरगॉटन, फॉरगॉटन, फॉरगेट्स, फॉरगेटिंग, यहाँ पर टी डबल हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि 1 2 डबल I do, फॉरगेटिंग, ओके मैम, क्राउन, इंदिरा सानी क्या बताना चाह रहे हैं, क्राउन, या क्राउन माने किसी को, हम सिर्फ क्राउन ऐसे रखोगे तो वो नाउन होगा, क्राउनिंग सेरेमनी हो रही है तो क्राउंड, ही क्राउन द किंग, तो क्राउंड वह बन सकता है, पूछ रहे हैं क्राउन, क्राउंड, द किंग वॉज क्राउंड, यही पूछ रहे हैं ना आप, ही क्राउन्स द किंग, क्राउनिंग, ओके, बोर्ड रब करूं मैं, ये रोज हम लोग बोलते हैं, ही मेक एड, म एक, म एड, मेड, मेक्स, देन मेकिंग, जब भी ई आएगा उसको निकाल के आईएनजी डालोगे, जब वाई आएगा उसको नहीं निकालोगे,
मोस्टली जब भी ई आता है उसको निकाल के आईएनजी डालते हैं, मेकिंग। इंद्रा सानी जी, नो मैम, क्राई का क्राइड, यस क्राई का क्राइड, बराबर। हो गया बच्चों, और भी है, बहुत है। मैं और कितना क्या लिखूं हम यहाँ पे, हाँ ये लिखेंगे फॉर। ये बहुत कंफ्यूज होता है बहुत लोग को, इस पर और इस पर। फील है और ये फेल है, फील ई, यहाँ पे डगे ई, दो वावल टी मारा है फ। और ये भी बताना है आपको, ये ऑल जो है एल नहीं है, ये एल एल नहीं है, ऑल है, ये ट्रिकी वर्ड है। ऑल, टॉल, फॉल, बॉल, सब जगह देखिए ऐसे पढ़ेंगे, टैल, टैल हो जाएगा। अगर आप साउंड पढ़ोगे तो टैल हो जाएगा, अगर नाम पढ़ोगे तो एल, टेल हो जाएगा। तो इसको जो है, ये ऑल जो है साइट वर्ड है, उसके साथ आगे जो भी कॉन्सनेंट डालोगे ऑल 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 आएगा। टॉल, फॉल, कॉल, बॉल, मॉल, ये लिख लीजिए, ट्रिकी वर्ड में लिख लीजिए ये ऑल, टॉल, फॉल, मॉल, ये सब क्या है, ये सब ट्रिकी वर्ड है। ऑल जो है और उसके आगे जो भी कॉन्सनेंट आएगा वो बराबर उसका साउंड निकाल के ऑल बोलना है। ये सब हम एक एक क्लास लेते हैं, मगर हमारे पास इतना समय नहीं है, तो मैं भी जब जब वर्ड आ रहा है वो टिप आपको देती जा रही हूँ। अभी स्मॉल लिखोगे तो स्मॉल नहीं बोलने का, स्म स्म स्म, ऑल, ऑल क्या है, ट्रिकी वर्ड है, ऑल क्या है, ट्रिकी, स्मॉल, ओके। चलिए अभी इसका लिख के हम अगला और अगली क्लास में और वर्ब्स देखेंगे। फॉलन, ऑल, फॉल, एन, फॉलन, फॉलन, फॉल्स, फॉलिंग, फील, फेल्ट, फेल्ट, यहाँ पे भी फेल्ट, ओके, फेल्ट, फेल्ट, फील्स, फीलिंग, ओके। डू, डेड, डन, यहाँ पर ईएस आएगा, डस, डू, डस, डू, डस, डूइंग, डी ओ डू, ऊ, ये साइट वर्ड है, मगर हम चाहिए तो ड ऊ, जब कभी कभी जो ओ है ऊ का साउंड निकालता है भी पढ़ सकते हैं, द इड, डिड, द आन, डन, डस, डस। उसके बाद में बी, बी यहाँ पर वॉस, यहाँ वेर, यहाँ पर क्यों मैं दो लिख रही हूँ, वॉस या वेर, क्योंकि ये सब्जेक्ट के ऊपर है। अगर सिंगुलर है तो वॉस डालोगे, प्लूरल है तो वेयर डालोगे, वो मैं आपको सेंटेंस में समझाऊंगी। ये बीन, बीस, और यहाँ पर बीइंग, यहाँ पर भी सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम सब्जेक्ट जब हम सेंटेंस सीखेंगे तब हम बताएंगे आप। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
सॉरी अबाउट माई कॉफ। कुछ डाउट है इसमें? किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग का क्या होमवर्क है, आप इस पर सेंटेंस बना के ट्राई करोगे। किसी भी वर्ब्स, कोई भी वर्ब्स लोगे और बेसिक सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट करके सेंटेंस बनाओगे। यू विल मेक सेंटेंस अबाउट यू नो हाउ टू नो ही फेल इन द पिट, ही फेल इन द पिट, ओके लाइक दैट। ही डिड, आई डिड माई होमवर्क, आई डिड माई होमवर्क, ओके। आई डोंट फील गुड, आई डोंट फील गुड, लाइक दैट। लॉट ऑफ सेंटेंस यू कैन मेक, वॉट एवर वर्ब्स आई एम गिवन, ट्राई एंड मेक सेंटेंस। एंड वेन यू आर मेकिंग सेंटेंस, से द साउंड्स एंड राइट। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टूडे। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।